हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज की हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप किट यूनिवर्सिटी में कैसे आप अपना एडमिशन ले सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती है और कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे अप्लाई करना, क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है ना। सारा चीज़ मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, सारा चीज़ डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ठीक है ना। चलिए फटाफट आपको हम ले चलते हैं अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे और आपको बताते हैं कैसे इसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कोर्सेज की बात करें तो इसमें इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप चाहे किसी भी कोर्स में एडमिशन अपना ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्सेज की हम बात करें तो यहाँ पर बीटेक है जो कि 4 ईयर का प्रोग्राम है, उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी नर्सिंग है, ठीक है ना। और बायोटेक्नोलॉजी कोर्स है वो डुअल डिग्री है जिसमें आप बीटेक और एमटेक दोनों कर सकते हैं, जो 5 ईयर में ही आपका पूरा हो जाएगा। बीएससी नर्सिंग है, बीए एलएलबी है, बीबीए एलएलबी है, बीएससी एलएलबी है जो 5 ईयर का है, बीबीए है, बीसीए है, बीसीए है जो 3 ईयर का आपका है, और बीएससी है कंप्यूटर साइंस का, और बैचलर ऑफ डिज़ाइन फैशन एंड टेक्सटाइल, बैचलर इन फिल्म एंड टेलीविजन प्रोडक्शन, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। बीटेक लेटर एंट्री से भी आप एडमिशन ले सकते हैं, जो आपका 3 ईयर का ही प्रोग्राम रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपका बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, बीए इकोनॉमिक्स, बीए सोशियोलॉजी, बीए इंग्लिश, बीकॉम, ठीक है ना, और एमटेक, ठीक है, और एमएससी बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, एमबीए, एलएलएम, एमएससी, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमए इन इकोनॉमिक्स, एमए इन सोशियोलॉजी, एमकॉम, एमए इन स्पिरिचुअलिज्म, और एमटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी, और लास्ट में आपका पीएचडी। इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल है, बहुत सारे कोर्सेज इसमें अवेलेबल है। आप पहले चेक कर लें कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है और यूनिवर्सिटी में वो कोर्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर वो अवेलेबल है उसके बाद ही आप उस कॉलेज में एडमिशन का प्रोसेस करें और आगे आप एडमिशन लें। पहले आप देख लें कि आपके अनुसार से वहाँ पे वो कोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं। और एक और चीज़ सबसे बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि आपका जो कोर्स आप करने वाले हैं उसका उस यूनिवर्सिटी में कितना फीस है, ठीक है ना, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं लेकिन उस यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा ही फीस है तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पहले आप उससे पहले एडमिशन लेने से पहले आप पहले चेक कर लें कि इस कोर्स के लिए उस यूनिवर्सिटी में कितना पैसा है, कितने फीस है, उसके बाद ही आप उसमें एप्लीकेशन का प्रोसेस करेंगे। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है बीटेक जो कि 4 ईयर का है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो दिया गया है, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो एडमिशन लेने जा रहा है वो 21 या फिर 22 या फिर 23 में है ना पास हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, वो एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, और वो रेगुलर क्लास किया हो, ठीक है ना, नॉन अटेंडिंग टाइम नहीं हो, रेगुलर क्लास किया हो, ठीक है, और उसका 12th में 60% या 60% से ज़्यादा मार्क्स आने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में। और नीचे हैं बीटेक और एमटेक डुअल डिग्री बायोटेक्नोलॉजी पास इन 10th+2 और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। अगर आप दोनों साथ में करना चाहते हैं जैसे कि बीटेक और एमटेक, ठीक है ना, तो इसके लिए आपको 12th में कम से कम 60% मार्क्स आने होने चाहिए, ठीक है, तभी आप एलिजिबल हैं लेने के लिए, ठीक है। और जो सब्जेक्ट है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स या फिर बायोलॉजी आपका होने चाहिए 12th में। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, 1/7/2002 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आगे हम बात करें तो बीटेक लेटर एंट्री के लिए आपका पास 3 ईयर डिप्लोमा, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है ना, इंजीनियरिंग में, जो कि एटलीस्ट आपका 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना, फ्रॉम स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ एनी स्टेट, कोई भी स्टेट का, ठीक है। और आगे हम आपको बता दें बहुत सारे यहाँ कोर्सेज हैं, आर्किटेक्चर भी है, इसका भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, और बीएससी नर्सिंग है, इसका भी हम बता देते हैं। तो इसके लिए है कि आपका 12th में जो है 45% मार्क्स आने होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा आने होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है ना। और आपका एज जो है 17 साल है ना, ठीक है, 17 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 35 साल से कम होना चाहिए, ठीक है,
35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 17 साल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका एज लिमिट हो गया, ठीक है ना। कब तक आपको गिना जाएगा, मतलब 31/12/2023 तक आपको गिना जाएगा, उससे कम आपका है तो आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कब तक, 31/12/2023 तक का, ठीक है ना। यहाँ पे बीबीए है, बीए एलएलबी है, सबकी एलिजिबिलिटी लिखा हुआ है। यहाँ बीबीए इसका हम बता दें तो इसमें आपको है ना 50% मार्क्स है ना आने होना चाहिए। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, या आपका मैथ हो, या फिर आप बिजनेस लिए हो, ठीक है ना, या फिर मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स स्टडीज कोई भी हो, 12th लेवल पे आप उसमें 50% मार्क्स लाए होंगे तो आप एलिजिबल है बीबीए के लिए, ठीक है। और आगे यहाँ पर बैचलर ऑफ फिल्म डिज़ाइन बहुत सारे, इतना बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम जल्दी में आपको कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर बीकॉम है, बीकॉम में आपको 60% जो है वो 12th में आपके आने होने चाहिए, ठीक है ना। और आपका 12th में या मैथ होना चाहिए, या फिर बिजनेस मैथमेटिक्स होना चाहिए, या स्टैटिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें 60% एटलीस्ट मार्क्स होने चाहिए तभी आप एलिजिबल है इसके लिए। पोस्ट ग्रेजुएट की हम बात करें, एमसीए के लिए, इसमें आपका 50% मार्क्स आपके आने होना चाहिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट हैवी मैथमेटिक्स आइडर इन 10+2 और इक्विवेलेंट लेवल ऑफ द एनी सब्जेक्ट, यानी कि 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या आपका 12th में मैथ होना चाहिए और 50% से ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो बाकी आप इसके लिए देख लेंगे वेबसाइट पे, आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना मैं बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा ही समय लग जाएगा, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप बेझिझक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप DM कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और कोई डाउट आपका ना रहे। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं एप्लीकेशन करने का, ठीक है ना, अप्लाई करने का क्या क्या प्रोसेस होता है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको कीट का जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ वेबसाइट लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे जाने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन लिखा होगा, ठीक है ना, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो लिखे होंगे उसको आपको पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। अब आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का आपसे एक रुपया भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है, आप फ्री में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप उसे सबमिट कर देंगे, और उसके बाद फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th पास सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप वहाँ पर अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको डेट आएगा, मेल डेट आपको मेल के थ्रू आ सकता है, या फिर मैसेज के थ्रू आपको आ सकता है। तो मेल आएगा, उसमें आपको लिखा रहेगा कि आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है ना, उस दिन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होता है, लेकिन वेबसाइट पे ऐसे सेंटर वगैरह रहते हैं, ठीक है ना, उससे आपको घबराना नहीं है, आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा, ठीक है ना, ऑनलाइन मोड से ही होता है, ठीक है ना। आप इजीली ऑनलाइन घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं। फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद लास्ट सबमिट करते हैं, उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको मिलता है, ठीक है ना, उसको आप प्रिंट कर ले, प्रिंट करके अपने पास रख ले, ताकि आगे कुछ प्रोसेस होता है तो उसमें आपका काम आ सकता है, ठीक है ना। ये जरूर आप कर लें, ठीक है, आपके लिए सही रहेगा। आप कीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे पहले आप सैंपल क्वेश्चन भी देख ले, ठीक है ना, कैसा कैसा क्वेश्चंस आते हैं ना, किस तरह का आपका क्वेश्चन रहता है, एक बार आप देख ले। सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स पे हम क्लिक करते हैं तो करने के बाद यहाँ PDF डाउनलोड हो जाएगा, देखिए यहाँ पे खुल के सामने आ गया, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। यहाँ पे सैंपल के तौर पे आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसमें आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। कट ऑफ आपका ज़्यादा, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपका मार्क्स ज़्यादा आएगा ना, तो आपका इजीली एडमिशन वहाँ पे हो सकता है और हो पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारे यहाँ पे कोर्सेज के लिए, ठीक है ना, बहुत सारे यहाँ कोर्सेज के लिए आपका अवेलेबल है, सिंपल पर आप आसानी से यहाँ देख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बायोलॉजी भी है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे 8 क्वेश्चंस टोटल दिए हुए हैं, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अभी, ठीक है। यहाँ से आप सिंपल पर देख सकते हैं आसानी से। आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है, भरने के बाद आप एक बार सिलेबस भी देख लें कि आपका जो कोर्स है, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेने वाले हैं, उसके लिए, उस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या सिलेबस रहते हैं, क्या क्या पढ़ने पड़ते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, एक बार आप सिलेबस देख ले, ताकि आपको तैयारी काफ़ी अच्छा हो जाएगा और अच्छे से आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसलिए आप ज़रूर एक बार सिलेबस देख ले। जैसा कि हम BSc नर्सिंग पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे फाइल डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये सारे सिलेबस होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब है, ठीक है ना, ये सब कुछ सिलेबस है, ठीक है ना। तो एक बार आप सिलेबस देख ले, ठीक है, उसके बाद आप आसानी से एग्ज़ाम को
क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। सिलेबस देख के उसी के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं। कोर्सेज में सिलेबस दिया हुआ है, क्या क्या आता है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, आपने जो अप्लाई किया फॉर्म, ठीक है ना, उसका जो एग्ज़ाम होगा, तो एग्ज़ाम में जो आप मार्क्स स्कोर करेंगे, जो आपका मार्क्स आएगा, उसी के हिसाब से आपका कटअप तैयार किया जाएगा, ठीक है ना। जो ज़्यादा मार्क्स आएगा उसका एडमिशन हो जाएगा, जिसका कम आएगा उसका नहीं होगा, ठीक है ना। कटअप तैयार होगा, जिसका अगर मार्क्स सेम आता है तो फिर उसके बाद उसको है ना यहाँ पे उसका ट्वेल्थ का मार्क्स देखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, अगर दो कैंडिडेट हैं, दोनों का अगर मार्क्स जो स्कोर हुआ है वो सेम है, तो किस किस बिहाफ में उनको चेक किया जाएगा। जैसे कि बीटेक के लिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स देन फिजिक्स देन बाय एज। अगर मैथमेटिक्स को मिलाया जाएगा, तो मैथमेटिक्स में अगर दोनों कैंडिडेट का सेम है, तब उसको फिजिक्स में देखा जाएगा, तब उसको एज देखा जाएगा, ठीक है ना। प्रेफरेंस टू ओल्डर कैंडिडेट्स, जो ओल्डर है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पे कटअप को तैयार किया जाएगा, इस तरह से एडमिशन हो जाएगा उनका, ठीक है। तो दोस्तों, आप फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के बाद पूरी अच्छे से आप सबमिट कर देंगे, तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। आपको खुद मैसेज या फिर मेल आएगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मेल और मैसेज आ सकता है, मेल या फिर मैसेज दोनों में से कुछ भी आ सकता है। इसलिए बराबर आप मेल चेक करते रहें, ठीक है ना। तो अगर आप चेक नहीं करेंगे तो आपको मिस भी हो सकता है, इसलिए मेल आप बराबर चेक करते रहें। मेल आएगा कि आपका एग्ज़ाम इस दिन है, ठीक है ना, इस दिन आपको एग्ज़ाम देना है, इसे लॉगिन करना है, सारा डिटेल उसमें लिखा रहेगा। फिर वहाँ से आपको एग्ज़ाम को दे देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपको फिर से वेट करना है। वेट करने के बाद आपको खुद रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। आपका रिजल्ट जो है ना, इस पर वेबसाइट पे आपका पब्लिश हो जाएगा, वेबसाइट पे आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, ठीक है ना। रैंक कार्ड आपका पब्लिश कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप अपना रैंक कार्ड देख सकते हैं, ठीक है, रैंक कार्ड देख सकते हैं। अगर मार्क्स आपका अच्छा आएगा होगा तो आपको फिर से मेल जाएगा कि आपको इस कोर्स में एडमिशन हो गया है, ठीक है ना। इस दिन आपको आना है और इतना पैसा आपको पे करना है, ठीक है। या फिर आप जिस दिन जा रहे हैं उस दिन जाकर वहाँ पर भी आप पे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग के समय भी आप पे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका अच्छा रैंक आएगा तो आपको मेल जाएगा, ठीक है ना, मेल जाएगा। या फिर काउंसलिंग के लिए कॉल भी जा सकता है, या फिर मेल जा सकता है, या फिर आपका मैसेज भी जा सकता है। तो आपका आ जाएगा, फिर उसके बाद आप आसानी से वहाँ पर जाकर अपना एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको मेल नहीं आता है या फिर मैसेज नहीं आता है, ठीक है ना, तो आप बराबर वेबसाइट को चेक करते रहें, ठीक है, चेक करते रहें कि आपका रैंक कार्ड आया है कि नहीं आया है कि नहीं, ठीक है ना। अगर आ गया होगा तो उसी के हिसाब से आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है, अगर पूछना रहता है, तो आप आसानी से एडमिशन काउंसलर के पास आप कॉल करके पूछ सकते हैं। जो ये सारे चीज़ संभालते हैं उनको आप पूछ सकते हैं आसानी से, कोई इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है ना, आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक है ना, काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है, उस दिन आपको क्या क्या चीज़ लेके जाना है उसकी हम बात करते हैं। तो आप उस दिन जब जाते हैं तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना होता है, ठीक है ना, रैंक कार्ड, ठीक है, रैंक कार्ड जो आपका जो रिजल्ट आया ना उसका, वो प्रिंट आउट करके लेके जाना होता है। 12 का सर्टिफिकेट लेके जाना होता है, और 10 का सर्टिफिकेट लेके जाना होता है, 10 का मार्कशीट लेके जाना होता है। और उसके बाद आपको मेल जाएगा कि आपको पैसा कितने पे करने हैं, ठीक है ना, पहले ही आपको मेल चला जाएगा कि आपको इतना पैसा पे करने हैं, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना। 75,000 आपका पैसा पे करना होता है, और 10,000 आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी रहता है, जो नॉन रिफंडेबल है, आपका कभी वापस नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट के तौर पे भी आप भेज देंगे, ठीक है ना। तो इसका डिटेल आपको मेल में सब आ गया रहेगा कि आपको कैसे भेजना है, कहाँ पर भेजना है, सारा डिटेल आपको लिखा रहेगा, या फिर आप वहाँ जाकर पे कर सकते हैं। तो आप पहले ही अगर पैसा पे कर दिए हुए हैं जाने से पहले ही, तो आपके पास जो रिसिप्ट होगा, जो पैसा आपने पे किया उसका जो रिसिप्ट होगा, उसको आप लेके जरूर जाए, ठीक है ना। एक तरह से आपके पास सबूत होगा कि आपने पेमेंट किया है, ठीक है ना, उसको आप जरूर लेके वहाँ जाए। और ये जो डॉक्यूमेंट ऊपर जो लिखा है ना, इसका ओरिजिनल प्लस प्रिंट आउट दोनों करवा के आप लेके जाए, और अपना फोटो 4-5 फोटो रख ले, ताकि वहाँ पे आप काम आएगा, जरूरत पड़ेगा तो आपका यूज हो पाएगा। इसलिए सारी चीज़ आपको लेके वहाँ पे जाना है, या से आप रख ले उसके बाद ही वहाँ जाए। अगर आप किट में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको किट का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप उसमें एडमिशन ले पाएंगे। और आपको MBBS या BDS में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए आपको नीट में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, मतलब नीट में आप क्वालिफाई किए होंगे, नीट में एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक है ना। आपका मार्क्स कम आया हो लेकिन आप नीट एग्ज़ाम दिए होंगे, उसके बेसिस पे ही आपको उसमें एडमिशन होगा। किट यूनिवर्सिटी में आपको उसी के बेसिस पे ही एडमिशन होगा, ठीक है, ये पॉलिसी है इनका एडमिशन का। अब यहाँ पे समझते हैं कि किट का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरना है, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं और इसको बताते हैं कैसे आपको भरना है। तो यहाँ पे जो स्टार वाला मार्क है वो आपका मैंडेटरी है, आपको भरना ही पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नेम डेट ऑफ बर्थ शुड बी
एज इन क्लास 10 सर्टिफिकेट। क्लास 10 के सर्टिफिकेट पे आपका जो नेम था और डेट ऑफ बर्थ था वही होना चाहिए। आप एक बार उस देख ले तभी आप इसमें फॉर्म में भरे ताकि गलती ना हो, ठीक है ना। नोट, यू आर रजिस्टर्ड टू इंटर करेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी टू रिसीव ओटीपी फॉर मोबाइल नो एंड ईमेल वेरिफिकेशन। तो आपको सही नंबर डालना है, ठीक है ना, और सही ईमेल आईडी डालना है, उसी पे ओटीपी जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आप फर्दर प्रोसेस कर पाएंगे और एग्ज़ाम अच्छे से दे पाएंगे। ये चीज़ आप देख ले, आप फॉर्म को भर रहे तो आसानी से मतलब कि आप ठीक से पढ़ लें कि आपने जो डाला है वो सही है कि नहीं, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करें। तो चलिए हम फटाफट फॉर्म को भरते हैं और आपको बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा जा रहा है, फर्स्ट नेम यहाँ पे लिखना है, उसके बाद मिडिल नेम, उसके बाद लास्ट नेम। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट मंथ ईयर, मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी लिखना है, और नीचे क्रिएट पासपोर्ट, आपको कोई भी पासपोर्ट अपने हिसाब से जनरेट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद कन्फर्म पासपोर्ट करना है, और यहाँ पे कैप्चर जो लिखा रहा है उसको यहाँ पे फिल करना है। फटाफट फिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आप सब चीज़ लिख के यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको फिर से कन्फर्मेशन के लिए पूछेगा कि क्या आपने जो डिटेल डाला क्या सही है कि नहीं। तो एक बार आप रीचेक कर ले, ठीक है ना, अगर आपको कहीं भी गलती लगता है तो फिर से बैक होकर फिर से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो कन्फर्म करने के बाद आपका ए वाला पेज खुलकर सामने आएगा, जिसमें आपको तीन स्टेप में इसका पूरा होगा, तीन स्टेप में आपका पूरा होगा, ठीक है ना। पहला स्टेप जो है आपका पर्सनल डिटेल है, उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप जो है कोर्स और एजुकेशन डिटेल डालना होगा, थर्ड जो स्टेप है उसमें आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया गया, नाम आपका दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर पर्सनल डिटेल एंड सबमिट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, यहाँ पर एजुकेशन डिटेल पेंडिंग दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्लिक हेयर टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद यहाँ पे हमें लिखे आ रहा है क्लिक हेयर टू फिल पर्सनल डिटेल, ठीक है ना। मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, अब यहाँ पे कह रहा है कि पर्सनल डिटेल भरने के लिए, इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि फादर नेम लिखने के लिए, उसका मदर नेम, ठीक है ना, दोनों लिख देंगे। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर आपका कोई रिजर्वेशन कैटेगरी है इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे या फिर आप जनरल रहने देंगे। फिर आधार नंबर लिखना है, मैंडेटरी आपको लिखना ही पड़ेगा, फादर का मोबाइल नंबर, फादर का ईमेल आईडी लिखना ही पड़ेगा आपको, मदर का मोबाइल नंबर और मदर का ईमेल आईडी आपको लिखना होगा। और उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट पोस्टल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट, आप कहाँ पर रहते हैं, आपका एड्रेस क्या है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। हाउस नंबर, एड्रेस, रोड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट और व्हाट्सएप नंबर, ये सब आपको भरना ही पड़ेगा। आपको रोड स्ट्रीट जो है वो ऑप्शनल है, आपको वो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट में है इंटर कैप्चा, कैप्चा है ना, उस पर आप फिल कर देंगे, उसको सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद आगे आपका प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट इसको भरते हैं और आगे देखते हैं। फॉर्म भरेंगे, सारे अच्छे से भर लेंगे, उसके बाद आपको फिर से कन्फर्मेशन के लिए आप पूछेगा कि आपने जो डिटेल डाला है वो डिटेल सही है कि नहीं। एक बार आप फिर से रीचेक कर लें, स्पेलिंग देख लें, ठीक है ना, और आपने जो डाला अच्छे से देखने के बाद उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म होगा, कन्फर्म पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ कैप्चा जो लिखा होगा, कैप्चा भरने के बाद यहाँ पे कन्फर्म है ना, उस पर आप क्लिक कर देंगे, जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर दे रहा हूँ कन्फर्म पे, ठीक है ना। कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद थोड़ा वेट करना है, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनल डिटेल जो है ना वो सबमिट हो गया है। अब यहाँ पे क्लिक हेयर टू फिल एजुकेशन डिटेल, अब यहाँ पे एजुकेशन डिटेल डालना है, और उस पर लास्ट हमारा रहेगा अपलोड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लास्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए फटाफट हम एजुकेशन डिटेल को फिल करते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट द कोर्स यू वांट टू अप्लाई, मतलब किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको जो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, बहुत सारे यहाँ पर कोर्सेज है, जो भी आप कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो इसमें आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज, क्योंकि एक साथ आप दो कोर्सेज में अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से कोर्स है उसके साथ आप कौन सा कोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। आप एक कोर्स को एक साथ में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज है, किसी भी एक कोर्स में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार साथ में नीचे आप कॉम्बिनेशन भी आप देख लेंगे कि कौन कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ कौन सा कर सकते हैं, ठीक है ना, किसके साथ कौन सा आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद ही आप वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर हम बीटेक के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर दे रहे हैं, और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपसे फिर से पूछा जाएगा कि आप जो सेलेक्ट किए हैं वो सही है कि नहीं, ठीक है ना, या फिर आप उसको चेंज करके दूसरा में भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है इफ़ यू वांट टू ऐड मोर कोर्सेज प्लीज़ चेक वैलिड कॉम्बिनेशन एंड क्लिक ऑन द
एडिट बटन एंड ऐड द कोर्सेज इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू प्लीज़ क्लिक करना कन्फर्म बटन। अगर आप चाहते हैं कि एक कोर्स है ना उसके साथ कोई और कोर्स का भी अप्लाई करने का, तो एक बार वैलिड नीचे जो कॉम्बिनेशन उसको देख ले, उसके बाद साथ में दोनों का सेलेक्ट करके या फिर आगे कन्फर्म कर सकते हैं। तो मुझे एक ही करना है, एक ही करके आपको दिखाना है, तो यहाँ पर हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, ठीक। तो मैंने पीछे बीटेक के लिए यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट किया था। अगर आप चाहते हैं कोर्स को चेंज करना, तो यहाँ पे क्लिक हेयर यहाँ पे लिखा होगा, इस पर क्लिक करके आप कोर्स को चेंज कर सकते हैं, दूसरा कोर्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपका आएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम सेंटर, देखिए एग्ज़ाम सेंटर वैसे आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है ना ऑनलाइन ही होगा, ठीक है ना। फिर भी आप अपने मन को संतुष्टि के लिए आप एक बार एग्ज़ाम सेंटर, आपके नज़दीक का जो एग्ज़ाम सेंटर है उसको आप सेलेक्ट कर ले। जैसे कि यहाँ पर दो सिटी दिया हुआ, सिटी वन सिटी टू। जो सिटी वन है ना वो आपका ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगा, उस पर पहला प्रेफरेंस रहेगा, और सिटी टू है ना वो आपका दूसरा प्रेफरेंस रहेगा। हम ऐसे ही आपको बताने के लिए, ठीक है ना, कोई भी हम सेलेक्ट कर दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर हम अंगूल सेलेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको फिर सिटी टू जो है ना, इसमें हम कोई भी सिटी हम सेलेक्ट कर ले रहे हैं, जैसे भोपाल सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी हम सेलेक्ट कर लिए, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल, आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा जा रहा है कि बीटेक में आप कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप 12th पास है कि नहीं, 12th कौन से सब्जेक्ट में है। तो PCM एक ही दिया हुआ है, PCB नहीं है, सिर्फ PCM ही है। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम स्टेटस, ठीक है ना, आप पास हो गए हैं कि या फिर आप 2023 में पास होने वाले हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो आप पास हो चुके हो तो उस पर टिपेंगे, या फिर आप इस साल दे रहे हैं तो अपीयरिंग इन 2023 पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे पास में क्लिक कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद आपसे नीचे पूछा जा रहा है कि PCB में आपका टोटल मार्क्स कितने आए थे, आपका PCB जो सब्जेक्ट था उसका सबको जोड़ने के बाद आपका कितना मार्क्स आ रहा है, वहाँ पे आप परसेंटेज में लिख देंगे, ठीक है ना। ईयर ऑफ पासिंग, कब आप पास किए हुए हैं, 2021 में पास किए हैं या फिर 22 में पास किए हैं या फिर 23 में, जो जिस भी ईयर में आप पास किए हों उसमें आप सेलेक्ट कर देंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि 21 यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कोई भी आप लिख सकते हैं जो जिस ईयर में आप पास हुए हों, ठीक है ना। अब क्लास 10th बोर्ड रोल नंबर, आपका 10th का जो रोल नंबर होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। क्लास 10th बोर्ड नेम, क्लास 10th में आपका बोर्ड कौन सा था वो आप यहाँ पे लिख देंगे। क्लास 10th आप कब पास किए वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। उसका नीचे कैप्चा जो होगा, कैप्चा को आप देख कर फिल कर देंगे, उसका सबमिट करेंगे, जब डाल देंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे भी कन्फर्मेशन के लिए आपको पूछा जाएगा कि आपने जो डिटेल डाला है वो सही है कि नहीं, एक बार फिर से चेक कर ले सारा चीज़ आपका सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद आपको लास्ट जो स्टेप बचेगा वो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का स्टेप होगा। तो यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो लास्ट यही स्टेप है, यही आपका पेंडिंग है। यहाँ पे ऊपर में लिखा रहा है कि आपका जो फोटो है, फोटो जो आप अपलोड करेंगे वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 500 KB से ज़्यादा इसका साइज़ नहीं होना चाहिए। पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, कलर फोटो आपका होना चाहिए, और स्कैन कॉपी होना चाहिए, स्कैन फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपका JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, स्कैन फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका जो 10th का मार्कशीट है, ठीक है ना, या फिर बोर्ड का सर्टिफिकेट है, वो भी आपका स्कैन होना चाहिए, स्कैन फॉर्मेट में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और साइज 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर के लिए 500 KB, और आपका मार्कशीट के लिए और सर्टिफिकेट के लिए 1 MB, ठीक है ना। फटाफट यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर फोटो सेलेक्ट करेंगे, फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ब्राउज आपका गैलरी खुल जाएगा, वहाँ से आप फोटो को अपलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद आप ऐसे ही सेलेक्ट करके यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे यहाँ से ब्राउज पर क्लिक करके, उसके बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे, अपलोड आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक और है लास्ट में मार्कशीट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करेंगे, उस पर अपलोड करेंगे, आपका तीनों अपलोड हो जाएगा। लास्ट में आपसे पूछ रहा है कि आप किट के बारे में कहाँ से जाने, ठीक है ना। तो आप इसमें कोई भी ऑप्शन लगा देंगे, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई भी लगा देंगे आपका चल जाएगा। फैमिली से जाने, यूट्यूब से जाने, वेबसाइट से जाने, रैंकिंग सर्वे से जाने, कोई भी आप क्लिक कर देंगे, ये आपका मैंडेटरी नहीं है, बस एक तरह से जानने के लिए है, ठीक है ना। तो आप कोई भी यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपने फोटो, सिग्नेचर और उस पर मार्कशीट अच्छे से अपलोड कर दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट कर ले, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में यहाँ लिख रहा है कि आप अच्छे से फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, तो यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड टू प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी आप टिक लगा देंगे, अच्छे से आप तीनों चीज़ अपलोड कर देंगे, उसके बाद क्लिक टू प्रोसीड फॉर प्रिंट एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक कर देंगे। आपका फॉर्म इस तरह से खुल कर आएगा, लास्ट में जब आप प्रिंट क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म पूरा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू प्रिंट, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आपका पूरी तरह से फॉर्म कंप्लीट होता है, फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है,
अच्छे से वेट करना है और एग्ज़ाम का तैयारी करना है, सिलेबस जो मैंने बताया और जो सिंपल पेपर है उसको देखने के बाद उसी के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैसेज या फिर मेल जाएगा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, उसके बाद एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आपको वेबसाइट पर चेक करते रहना है, वेबसाइट पर अपना रिजल्ट को देख लेना है, रैंक कार्ड को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए या सीट अलॉटमेंट के लिए आपको कॉल आएगा या फिर मेल आएगा, या फिर नहीं आता है तो आप जाके नंबर निकाल कर जो एडमिशन काउंसलर से बात कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं कि कब आपका काउंसलिंग के लिए आएगा, कब काउंसलिंग के लिए मेल आएगा, कब काउंसलिंग होगा, कब अलॉटमेंट होगा, इसके लिए आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ पे जितना डॉक्यूमेंट मैंने बताया उसको लेके आप वहाँ पे जा सकते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये था एक पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, मैं आपको आसानी से उसका जवाब दे दूंगा। और मिलता हूँ इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।